गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो वी आर इनटू एपिसोड नंबर 18 फॉर आर पाइथन सीरीज एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अबाउट सेट्स इन पाइथन अभी तक हमने लिस्ट कवर किया है टपल्स कवर किया है लिस्ट

नहीं देखा हो तो हमारी प्ले लिस्ट दिस प्ले लिस्ट इस प्ले लिस्ट में आपको सारी विडियो मिल जाएंगे जो भी अभी तक कवर करी है तो अभी तक आपने कोई भी स्केप किया तो आप देख लेना एंड इस प्ले लिस्ट को बुक मार्क कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है सो लेट्स तो सेट्स पढ़ने से पहले मैं बताऊ से होते क्या है सेट्स में भी हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं जैसे हम लिस्ट एंड टपल में कर रहे थे सिमिलरली वी हैव टू डू लाइक दिस लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप जब सेट हम डिक्लेट करते हैं तो हमको कर्ली ब्रेस यूज करने पड़ते हैं लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं टपल्स में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं एंड यहाँ पर डिक्लेयर करते समय हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेट बन गया सेट हम क्यों बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं डेट आर अनचेंजेबल उसमें हम चेंज नहीं कर सकते एंड कोई भी डुप्लीकेट आइटम हम नहीं डाल सकते देर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ सेट फर्स्ट देर अनऑर्डर्ड जैसे कि लिस्ट एंड टपल्स ऑर्डर्ड होते हैं वहां पर हम इंडेक्स देते हैं इंडेक्स से हम अपने आइटम्स को एक्सेस करते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर आप आइटम्स को जो भी हम हमारे टपल्स के आइटम होंगे जो भी हम आइटम स्टोर करेंगे मल्टीपल आइटम वो हम यूज uh, करेंगे नॉट वी विल नॉट यूज विद द इंडेक्स

Sorry, one, set. Set को ऐसे यूज नहीं कर सकती सेट को मैंने सेट ऑफ वन या उसका फर्स्ट एलिमेंट में एक्सेस कर इसीलिए हमारे लिए सेट के एलिमेंट्स है डाटा अन ऑर्डर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है कि पहले वन स्टोर है फिर टू स्टोर है बस सारे आइटम्स एक वेरिएबल में स्टोर है इन अ सेट ठीक है दूसरा पॉइंट कोई भी डुप्लीकेट हम यूज नहीं कर सकते हैं अगर वन एक बार आपने यूज कर दिया तो आप सेकेंड टाइम वन को स्टोर नहीं कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर ट्राई करू सेट टू तो यहाँ पर मैं क्रिएट करने की कोशिश करी वन कॉमा वन और मैं जब प्रिंट करूंगी सेट टू तो यहाँ पर सिर्फ वन प्रिंट हुआ एक बार हमने दो बार ली दिया था लेकिन स्टोर कितनी बार हुआ एक बार तो हम दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार वन स्टोर कर दिया इट इट इज ओके नाउ यू कैन एड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आप एड कर सकते हो एक ही सेट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं लेट सपोज मैंने बनाया सेट थ्री सेट थ्री मैंने स्टोर किया वन देन मैंने स्टोर किया लेट सपोज एप्पल कोई स्ट्रिंग Then, मैंने स्टोर किया कोई डबल वैल्यू दैट इज 2.4 या फिर मैंने कैरेक्टर स्टोर किया ए तो ऐसे करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेट में एंड सेट थ्री मैं प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई लेकिन उस ऑर्डर में नहीं हुई है जिस ऑर्डर में हमने दी थी हमने दिया था वन प्रिंटेड प्रिंट क्या हुआ ए एप्पल एंड वन तो हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया तो इट मीन्स क्या कि हमारे सेट में जो वैल्यूज हम ऑर्डर नहीं होती है अन ऑर्डर अब मुझे अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है और सारी वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है वन बाय वन देन आई विल यूज अ फॉर लूप तो फॉर लूप को मैं वहां पर आईडीएल आईडीएल में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एक बार में एक ही सेंटेंस एग्जीक्यूट होता है एंड फॉर लूप में तुम्हारे दो टाइप होते हैं तो so, फॉर के लिए पहले मुझे सेट बनाना पड़ेगा तो मैं जल्दी से सेट बना लेते हैं सेट को मैंने बनाया लेट सपोज यहाँ पे लिखा मैंने एच टी देन हम लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम दे रहे हैं सी देन जे देन बूट और मर्न और ये ऐसे करके हम देख सकते हैं एंड नाउ आई एम एक्सेसिंग यूजिंग में लिखा मैंने एक्स एक्स आइटम दैट पर्टिकुलर सेट देन सेट वन यहाँ पर सेट वन आ गया हमारा दैट इज कोलन एंड यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स एंड नाउ वी विल रन द कोड देखते हैं क्या प्रिंट होता है ऑब्वियसली आइटम्स प्रिंट होंगे

तो लेंथ फंक्शन हमारा सेम है नाउ एक्सेस हो गया अब हम लूप करके कैसे कर सकते हैं ये हमने सीख लिया नेक्स्ट इज ऐड न्यू आइटम्स तो अब मुझे सेट में अगर न्यू आइटम्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे तो एक बार जब सेट क्रिएट हो जाता है तो आप चेंज तो नहीं कर सकते हो आइटम्स को कि आपने जैसे हमको लिस्ट था तो लिस्ट की जो सेकेंड पोजिशन है उस पर पहले टू स्टोर था मुझे थ्री स्टोर करना है अब हम सेट में वो नहीं कर सकते हम चेंज नहीं कर सकते हम ऐड कर सकते हैं हम डिलीट कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते हम डिलीट करेंगे तो पूरा सेट डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा आइटम कहाँ पर स्टोर है आप सर्च कर सकते हो आप ऐड कर सकते हो आप ये सर्च कर सकते हो कि उस सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं तो कैसे सेट को हम देखेंगे हम देखेंगे लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एप्पल तो मैं लिखा एप्पल को मैंने दिया लाइक दिस एप्पल इन माई सेट थ्री सेट थ्री में स्टोर है ना सेट थ्री तो यहाँ पर आ गया ट्रू तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि एप्पल इज प्रेजेंट इन सेट और नॉट बाई यूजिंग इन कीपर सिंपल इट्स वेरी सिंपल अभी मैंने तो यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखा है लेकिन हम जब वी एस कोड में होंगे आप कोड कर रहे होंगे तो हम यहाँ प्रिंट लिखेंगे अभी हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखा है सो दैट्स हाउ वी कैन यूज द सेट नेक्स्ट इज एड एड कैसे करेंगे सिंपली एड मेथड हमारे को दिया हुआ है तो हम सिंपली एड कर देंगे लेट सपोज मुझे एड करना है यहाँ पर सेट वन में एड करना है कोई भी वैल्यू मैंने वो करना है प्रगति लेट से माई नेम

डॉट अपडेट तो मुझे अपडेट करना है और किसकी वैल्यूज डालनी है सेट थ्री की तो सेट थ्री में हमारे पास क्या था हमारे पास था मल्टीपल वैल्यूज वन एप्पल टू पॉइंट फोर और ए और सेट वन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है देखते हैं क्या होता है

अगर हम उसको ना करेंगे हम आइटम की वैल्यू दे देंगे हमको क्योंकि अब ये नहीं पता किस जगह पर किस पोजीशन पर वो प्रेजेंट है सो देन वी हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर आइटम फॉर एग्जांपल आई हैव टू डिस्कार्ड द टू पॉइंट फोर वैल्यू ओके ऐसी वैल्यू देनी है देखो यहां पर लिखा रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज अ मेंबर ठीक है तो अब इसने रिमूव कर दिया ओके okay. ये हो गया डिस्कार्ड की प्रॉपर्टी लेकिन अगर मैं रिमूव फंक्शन यूज करूं देर इज टू फंक्शन रिमूव फंक्शन एंड डिस्कार्ड फंक्शन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने अभी डिस्कार्ड को यूज किया ठीक है अब मैं रिमूव को यूज करती हूँ मैंने लिखा रिमूव टू पॉइंट इट विल गिव मी एरर अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इट विल गिव मी एरर वही अगर मैं फिर से सेट वन में डिस्कार्ड यूज करूं कि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूं डिलीट इसलिए इसने एरर दिया क्योंकि हम पहले इसको रिमूव कर चुके थे अगर मैं फिर से इसको करूं तो ये मुझे एरर नहीं देगा क्यों ये ही डिफरेंस है दोनों में रिमूव में क्या है अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो, तो वो रिमूव कर देगा लेकिन अगर नहीं है इट विल गिव एन एरर अदरवाइज और डिस्कार्ड में क्या अगर वो प्रेजेंट है तो भी कर देगा डिलीट और नहीं प्रेजेंट है तो एरर नहीं देगा आपको तो इट इज वाइज डिसीजन की आप रिमूव भी यूज करो डिस्कार्ड नहीं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट है या नहीं अदरवाइज हाउ विल यू नो कि आपका आप सॉफ्टवेयर जो है वर्क कर रहा है नहीं आप तो सोच रहे हो वो रिमूव हो रहा है लेकिन रिमूव तो हो ही नहीं रहा बिकॉज वो प्रेजेंट ही नहीं है नाउ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सेट वन सेट वन की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर टू पॉइंट फोर रिमूव हो चुका है वी कैन रिमूव द वैल्यूज नेक्स्ट पार्ट इज जॉइन अब जॉइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सेट्स ओके मैं ये हटा देती हूँ जॉइन में क्या है सबसे पहले आपने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ये हमने मैथमेटिक्स में सेट्स के बारे में पढ़ा है अभी तक सेट्स पढ़ रहे हो यहां तक आ गए हो तो आपको पता होगा सेट्स आपने मैथमेटिक्स से पढ़े हैं है ना वही सब चीजें हैं यूनियन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी ये सब पढ़ा है मैथ्स में हर किसी ने पढ़ा होगा यहाँ अगर बैठे हो पढ़ा जरूर होगा सुना जरूर होगा 10th क्लास से तो मैथ्स पढ़ते ही है है ना तो वही चीजें हैं अब ये क्या हो रहा है पाइथन में आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग से कैसे करोगी जस्ट यूजिंग अ फंक्शन जस्ट यू हैव टू यूज है फंक्शन यूनियन मैंने लिखा अभी फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम सेट वन और सेट थ्री काफी यूज कर चुके एक नया सेट बना लेते हैं लेट सपोज मैंने बनाया यहाँ पर एस वन एस वन को मैंने याद दिया, दिया न्यू सेट तो मैं अभी नंबर्स को ले रही हूँ कहा ठीक है कोई और वैल्यू नहीं ले रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग कि हमको इजीली समझ आ जाए एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ले लिया सेकेंड में मैंने लिया लेट सपोज फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके अब मैंने बोला एस वन यूनियन ओके लेट्स क्रिएट सेट ओके लेट्स क्रिएट सेट एस थ्री इज इक्वल टू एस वन डॉट यूनियन एंड देन एस टू ओके नाउ आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू एस थ्री एस थ्री में हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो कि एस वन और एस टू में प्रेजेंट थी ठीक है लेकिन रिपीट नहीं हुई जो भी रिपीटेड इंटरसेक्शन करते हैं लेट सपोज अब मैंने एस थ्री की वैल्यू कर दी या एस फोर बना लेते हैं फॉर द इंटरसेक्शन एस वन डॉट इंटरसेक्शन एस टू

जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट होंगे उनको ऐड नहीं करता है सेट वन में जो भी डुप्लीकेट होंगे वो ऐड नहीं करता बाकी सारी डुप्लीकेट बाकी सारी वैल्यूज को रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड कर देता है तो मैंने बनाया एस फाइव एस फाइव में लिखा एस वन सिमेट्रिक डिफरेंस एंड देन वी हैव एस टू ये हमारे पास फंक्शन है नेक्स्ट वी हैव एस फाइव एस फाइव में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई जो कॉमन नहीं थी उनको वही सारी वैल्यूज प्रिंट हुई और जो कॉमन थी उनको छोड़कर सारी वैल्यूज ने एस फाइव में एड कर दो तो ये तीन फंक्शन हैं जिससे हम दो सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू तो आर ओन नीड अकॉर्डिंग टू तो आवर ओन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड द अकॉर्डिंग टू तो डेवलपर ठीक तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जो मुझे आपको बताना है ट्विस्ट कि यहाँ पर यूनियन के साथ एक अपडेट मेथड है जो हमने अभी यूज किया थोड़ी देर पहले अपडेट मेथड तो ये भी हमारा यूज होता है टू एड टू से यहाँ पर भी यूनियन जो रिजल्ट यूनियन देता है वही रिजल्ट अपडेट देता है हमने अभी यूज किया देखो दिस कार्ड से ऊपर यहाँ पर किया अपडेट ठीक है एस वन डॉट अपडेट एस थ्री तो ये भी एक फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है यू कैन जस्ट यूज नेक्स्ट वी हैव द इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन में एक और फंक्शन आता है इंटरसेक्शन अपडेट इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है इट विल रिमूव विल रिमूव द आइटम सेट दैट आर नॉट इन द प्रेजेंट सेट अभी क्या करेगा ये रिमूव भी कर देगा लेकिन इंटरसेक्शन जो फंक्शन है जो नॉर्मल इंटरसेक्शन फंक्शन है वो एक सेट को रिटर्न करता है जो दोनों का इंटरसेक्शन है और S2 का इंटरसेक्शन को रिटर्न कर रहा है लेकिन इंटरसेक्शन अपडेट क्या कर रहा है वो रिमूव कर रहा है आइटम्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेट जो भी उस सेट में एस वन में सेट में आपके कॉमन एलिमेंट उनको रिमूव करके देन रिटर्न कर रहा है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ आप दोनों यूज कर सकते हो आपको दोनों की वैल्यू चाहिए तो भी आप कोई भी यूज कर सकते हो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा ये आपका होमवर्क है आपको इसको इन दोनों को ट्राई करना है और फाइंड आउट करने की कोशिश करना है बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और कभी कभार इन चीजों की डिफरेंसेस की जरूरत पड़ जाती है वेन यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सो फॉर दिस वीडियो इतना ही था सेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ आई ट्रेबल के बारे में पढ़ेंगे डेट इज डिक्शनरी एंड डैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आई ट्रेबल उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं एंड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे पाइथन को और एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि पाइथन इज वेरी वास्ट वेरी वर्सिटाइल लैंग्वेज एंड इसका कोई एंड नहीं है ठीक है डेटा साइंस में मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर जगह हम पाइथन को यूज कर सकते हैं और ए का तो अभी तो कोई सीमा ही नहीं है तो पाइथन की भी कोई भी लिमिट नहीं है सो वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग्रेट स्पीड अभी तो हम इसके बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस कोर्स में एंड इन द नेक्स्ट कोर्स और उसके बाद अब बेसिक्स होंगे तो हम अच्छे से और भी चीजें करेंगे और हो सकता है नेक्स्ट कोर्स ही बनाए जिसमें हम और एडवांस पाइथन पढ़ें सो दैट्स